कॉलेज में मेरे गाने फैन है भाई। अपने अपने जगह चले जाओ। भगत 03 क्यों है ब्रो? न्यू आईडी अलाउड नहीं है ब्रो। दो मिस्टर परफेक्ट है सर। रोहित फिर से आएगा। ओ फक, मैक्स अमित को किक कर गया। ओके वन मोहित, भाई जितने भी नहीं आ पाए भाई जल्दी आ सकते हो यार, जल्दी भाई। फोन लगाने का कोई मतलब नहीं ब्रो, तो फोन मत लगाइयो, फोन मत लगाइयो ब्रो यार प्लीज। मिस्टर परफेक्ट यस, निकोल टाइटन रोक, निकोल का कोई यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो। हेलो ब्रो MRF गेमर, टाइटन रोक यहाँ पे, टाइटन रोक किस टीम का है? मिस्टर वन का है और एक नंबर टीम का फिर एक बंदा बचा है। पंजाब की टीम क्या हुआ ब्रो? यार 920 हो गया ब्रो, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो भाई लोग? जितने चार चूड़िया लगी कौन सा मैप है आज भाई? वीकेंडी ब्रो, वीकेंडी वीकेंडी, कल से रंगल होगा ब्रो। नाइन ट्वेंटी हो चुका ब्रो। अरविंद डी हेलो भाई, हेलो ब्रो अरविंद भाई, वेलकम टू आवर स्ट्रीम ब्रो। नोवा स्टार को किसी ने नाम नहीं दिया है तो नोवा स्टार को किक आउट करेंगे डायरेक्ट। भगत 10 फिर आ गया ब्रो, मत आ ब्रो यार। नाइन ट्वेंटी वन हो गया ब्रो, स्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी जो लोग नहीं आ पाए सॉरी, तो भाई टाइम का। ओ यहाँ पे कौन आ चुका? लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। प्राइम फिर से क्यों आ गया यार? अमित काकड़े हाय ब्रो, वेलकम टू आवर स्ट्रीम ब्रो। डेंगराम फिर क्यों आ गया भाई? जल्दी यार 9:25 हो गया। आज क्या खेल रहे हो ब्रो? ब्रो आज वीकेंड ही फिर से भाई। डोंट किक निखिल वन भाई, उसका नाम किसी ने नहीं दिया ब्रो, प्लेयर लिस्ट में किसी नाम ही नहीं है निखिल का, निकोल को। तो फिर ये बंदा है ना ब्रो, किक आउट कर दे भाई, स्टार्ट कर दे। हाँ जरूर भाई स्टार्ट करेंगे, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए फास्ट। INDI कुणाल स्कूल, कुणाल जी रख सकते हैं यहाँ पे, स्कूल है। ओ सॉरी स्कूल कुणाल को यहाँ पे आ चुके हैं भाई, प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स में कुणाल बड़ा जेलेक्स फिल्म मेरा प्लेयर है। अरे भाई पहले बोलना चाहिए ना ब्रो, यार क्या बात कर रहे हो यार। फेम भाई मतलब प्लेयर लिस्ट दे दिया करो भाई लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्लेयर लिस्ट नीड रहता ब्रो, प्लेयर लिस्ट इसलिए नीड रहता ब्रो यार। प्लेयर लिस्ट दे दिया करो, किक आउट का झंझट मत पालो। अगर आपके जो प्लेयर लिस्ट दे हो उनके सिवा अगर कोई दूसरा बंदा आए तो डायरेक्ट किक आउट, आपको बोलने का दरकार नहीं पड़ेगा। अगर प्लेयर लिस्ट दिए होगे तो आपको किक आउट करने का दरकार नहीं। अगर कोई भी दूसरा प्लेयर आपके स्लॉट में आया तो डायरेक्ट किक आउट ब्रो। तो
तो भाई लोग बहुत टाइम हो गया यार, 2 मिनट देखेंगे बस, ओनली 2 मिनट्स, उसके बाद रेडी करो। हाँ भाई रेडी कर रहे ब्रो यार, इधर से वाले वाले ओके ब्रो, ओके पंजाब के। अरे भाई इसीलिए देख रहे हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं। 4 प्लेयर्स हैव नॉट डाउनलोडेड मैप एनिमल टू फाइंड मैचेस, रिमूव। हाँ भाई रिमूव करेंगे, कोई चांस नहीं है। जिन जिन को मैप नहीं है भाई, फालतू में मत गुस्सा करो यार, मचाएंगे। स्टार्ट करो। हाँ भाई स्टार्ट कर दिया ब्रो। शाउट आउट सुरेश एंड गीतेश, बिग शाउट आउट टू यू ब्रो, सुरेश किंग एंड शाउट आउट। हाय रॉकी भाई, हेलो ब्रो, व्हाट द फक, मेरा गेम क्रैश हो गया भाई यार। हाय रॉकी भाई, रॉकी भाई चालू कर दो। हाँ भाई यार कर दे रहे हैं, रॉकी ने ब्रो लक्की, इट्स नॉट रॉकी ब्रो, इट्स लक्की ब्रो। भाई तेरा पूरा नाम क्या है एंड कहाँ से है भाई, व्हाट्सएप कॉल करना बंद कर दो। भाई मेरा पूरा नाम लक्की साहू है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ ब्रो। जी भाई, जी भाई, भाई व्हाट्सएप कॉल मत क्या करो प्लीज़, व्हाट्सएप कॉल मत करो। यहाँ पे जितने भी भाई देख रहे हो प्लीज़ गाना बंद करना पड़ेगा। लक्की भाई, हाँ भाई सॉरी, कोई बात नहीं ब्रो यार। भाई तेरा पूरा नाम क्या है? भाई मेरा पूरा नाम लक्की साहू है और मैं उड़ीसा से ब्लेम करता हूँ ब्रो कि भाई अमित कर दो तेरा भाई तेरा ब्रो। हाय ब्रो, और यहाँ पे प्लेन जाता हो, प्लेन को देखते हैं फिलहाल। प्लेन जाता हो यहाँ पे रेस्कोरा से वेनेरी मिलनार पे, यहाँ पे इतना ज़्यादा उतना पता नहीं ब्रो यार वीकेंडी के बारे में, तो इसीलिए हम लोग रख दें अभी कैंडी में ताकि फ़न आ जाएगा। जैसे भी करके हमको फ़न आना चाहिए ब्रो। क्लियर स्काई टीम यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टीम यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ, भाई स्ट्रीम गेम क्रैश हो गया था तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रीम भी ऑफ हो गया था, तो दूसरे वाला स्ट्रीम चालू हो गया ब्रो, देख सकते हो आप दूसरे में स्ट्रीम चल रहा है। दिक्कत क्या बोलते हैं, परेशानी के लिए दिक्कत, सॉरी भाई लोग। क्लियर स्काई कहाँ से आ गया यार फिर से यार, भाई दिक्कत है भाई, स्लॉट दूसरे स्लॉट में बुक करते हो भाई, इसीलिए बोलता हूँ स्लॉट का अगर बुकिंग करा रहे हो तो भाई चारों प्लेयर के लिस्ट के साथ दीजिए। आलू भुजिया की टीम यहाँ पे उतर रहे हैं, अभी तक तो उतरे नहीं हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब अपना अपना जो जगह रहता है वीकेंडी में तो उतना पॉपुलर सभी को पता है। यहाँ पे 12 नंबर का स्पीड लॉर्ड के साथ फाइट होता हुआ और स्पीड लॉर्ड और पांडा जेल से डेबू जी, नमस्ते ब्रो, वेलकम टू आवर स्ट्रीम डेबू भाई। अबे तू नहीं खेल रहा है क्या, जर्विस लोग के साथ नहीं खेल रहा है क्या अबे तू, देखते हैं यहाँ पे स्पीड लॉर्ड और पांडा की जो टीम है आरपीडी कुमार साई ने स्वागत को यहाँ पे डाउन करते हुए, शायद आरपीडी कुमार साई ने स्वागत भाई को यहाँ पे डाउन कर दिया है। वे नहीं निकल रहे और यूजीआई से शायद खेल रहे हैं, यूजीआई से खेल रहे हैं, अब काफ़ी स्टार्टिंग में एक्शन चालू होता हुआ और विनरी में यहाँ पे फाइट देखने मिल सकते हैं और एक्सेस को भी डाल सकते हैं। और स्वागत ने आरपीडी ने कुमार साई ने स्वागत को यहाँ पे फिनिश करते हुए वो एक और डाउन होते हुए एक्सेस ट्रैगर्स यहाँ पे डाउन होते हुए गजन आरपीजी गजन यहाँ पे उनको कुत्ते को मारते हुए, तो देखते हैं क्या होने वाला है। देख सकते हैं काफ़ी डाउन करके यहाँ पे मतलब और यहाँ पे निकोल को यहाँ पे डाउन करते हुए आरपीजी गजन को यहाँ पे डाउन करते हुए। हाय भाई पहचाना क्या गौरव काले, हाँ भाई भाई क्लर स्काई का टीम 5 में अलग स्लॉट। हाँ भाई यार दिक्कत हो गया यार, क्या बोलो के जी एफ रोकी ने के जी एफ तो लाया ना यहाँ पर फिनिश करते हुए जी ऐसे पहलते हुए। भाई इस क्लर स्काई का टीम 5 में था, न्यू फोन लेके आऊँगा, कोई बात नहीं ब्रो। योर हाउस एड्रेस कनेक्शन कौन सा यूज करते हो भाई स्ट्रीम, भाई क्या बोलो भाई, कनेक्शन को तो मत ही पूछो भाई, एयरटेल यूज करता हूँ ब्रो, बट एयरटेल बहुत ही घटिया है ब्रो यार, बट अब मेरे को क्या करना भाई, इधर जियो एयरटेल का थोड़ा ठीक ठाक नेटवर्क पकड़ता है, बट ये थोड़ा बीच में एयरटेल का प्रॉब्लम चल रहा था, तो आई होप सब सॉल्ट हो जाए। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीम स्लर आलू भुंजिया की टीम यहाँ पे लास्ट में एकदम लास्ट में उतरे हैं, तो वीकेंडी मैप है जो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सभी बंदे को कम्फर्टेबल फीलिंग नहीं लगता इनको खेलने में। तो भाई 500 सब्सक्राइबर का इस मैच में एम रखें भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। यहाँ पे पोकेमॉन मंटर ने यहाँ पे ऑटोमेटिक आरजे को यहाँ पे डाउन करते हुए, ऑटोमेटिक आरजे भाई ऑटोमेटिक आरजे कहाँ पे, ओ यहाँ पे ऑटोमेटिक आरजे को यहाँ पे शायद डाउन करते हुए, कहाँ पे आरजे
एडोटी कार्ड ये भाई VDS गेम कहाँ पे ब्रो यार। अब देखते हैं ड्रैकुला मिस्टर सौरभ की जो टीम यहाँ पे है उनको उनको देख लेते हैं क्या कहाँ पे उतरे हैं। फिलहाल तो उतना डायनो पार्क में उतरे हैं भगत की जो टीम है भगत 004। अबे अभी तक कौन कॉल करें भाई अरवन को बता सुनील कालीवाला भाई गेम को दिखाओ। हाँ भाई दिखा रहे हैं यार अरवन को दिखाते हैं ब्रो यार अरुण को देखते हैं यहाँ पे फिलहाल कौन अरवन जेड मार दिया अरवन जेड मार यहाँ पे उतरे हैं अरवन जेड मार उतरे हैं। जर्विस टीम में कौन कौन है दिखा रहे हैं जर्विस टीम में सब यहाँ पे फाइट चलता हुआ स्टील की टीम को यहाँ पे फाइट चलता हुआ स्टील टीम यहाँ पे फाइट चलता हुआ। अरे वहाँ पर कौन कॉल कर रहा भाई यार अभी देख सकते हैं स्टील वर्सेज आर पी जी शायद स्टील के हकूक के बीच में फाइट चलता हुआ स्टील पाब्लो यहाँ पे है। गौरव मिश्र परफेक्ट मैं हूँ भाई गौरव ड्रॉप्स ड्रोस फोन है ड्रोस फोन है क्या बोल रहे हैं। अब देख सकते हैं ट्रेन नंबर 4 के साथ फाइट चलता हुआ और स्टील बाबलो यहाँ पर राइट से फ्लैंक करके जा रहे हैं क्या इनको फ़ायदा होने वाला है इतना दूर से मेहनत करके जाएंगे। अरे भाई माफिया एलेक्जेंडर माफिया तो जेड मार हेलो जेड मार भाई हेलो वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो भाई किलर स्काई मैं जो प्लेयर क्या बोल रहे उसको बंद कर दो दिन का लिए। हाँ भाई जरूरी यार बहुत एक्शन होगा कड़ा एक्शन लिया जाएगा ब्रो बैन करेंगे बहुत ही दो दिन है तीन दिन का मिस्टर परफेक्ट नहीं ब्रो भाई को उसे जर्विस के टीम में कौन कौन से दिखा रहे हैं जर्विस के टीम में। फिलहाल यहाँ पे फाइट चलता हुआ टीम नंबर 6 के वर्सेस टीम नंबर 4 के बीच में आरपीडी कुमार साई और मैक्स क्या क्या अमित है देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट चलता हुआ यहाँ पे G36 का बोल वाला रहता है वीकेंडी में तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आरपीडी कुमार साई स्टील बाबलो यहाँ पे टिकट भी लेके सुन रहे लेकिन यहाँ पे जोन देते हुए आरपीडी कुमार साई ओपन में आते हुए स्टील हकूक के लिए लेट के मार रहे हैं स्टील हकूक यहाँ पे डिस्टर्ब ना सकते हैं लेकिन आरपीडी स्टील पाबलो को यहाँ पर डाउन करते हुए आरपीडी के ने स्टील पाबलो को डाउन करते हुए स्टील हकूक ने प्यारा पे कब देते हुए मिस्टर मैक्स रुपेश को यहाँ पर डाउन करते हुए अरे देखना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदा फाइट होता हुआ स्टील हकूक ने यहाँ पे मैक्स रुपेश को डाउन किया आरपीडी ओ एक और मतलब डाउन करते हुए स्टील हकूक को डाउन करते हुए आरपीडी गजानन काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं और एक लास्ट बंदा बचा है क्या यहाँ पे फिनिश हो जाएगा स्टील की जो टीम है। और जी हाँ भाई यहाँ से स्टील की जो टीम है एलिमिनेट होते हुए और जो टीम नंबर जो सोल टू के जो यहाँ पे टीम है सोल टू कॉइंट टू के जीरो कॉइंट टू के जो टीम है काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आई कमिंग ब्रो हाँ भाई जरूर आ ब्रो यार सुनील टीम 11 को दिखा भाई हाँ भाई टीम 11 को दिखाते हैं कौन सा कहाँ पे टीम 11 जत जयस्ताइस और भगत 04 और भगत 02 के बीच में तो अबे भाई इसके बोल दो कि भगत जो 03 को रिमूव क्यों किए क्योंकि उनको ओ यहाँ पे गंदा फाइट होता हुआ टीम नंबर 18 के साथ स्टार बॉय मैक्सी जो यहाँ पे भगत 002 ने यहाँ पे फैलते हुए UGI से फैलते हुए यहाँ पे क्या उनको बेगम मिल सकता है क्योंकि स्टार विश्वजीत काफ़ी दूर में है यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। देख सकते हैं भगत के प्लेयर ने दो प्लेयर मिल के एक प्लेयर को फैलते हुए यहाँ पे फिनिश करते हुए स्टार बॉय एक्स मेम टी को यहाँ पे फिनिश करते हुए ऊपर से लेट में फिर बेकअप आता हुआ स्टार विश्वजीत यहाँ पे हैं पीछे में स्टार मानस सिंह के पास जा रहे हैं यहाँ पे फाइट हो सकता है जीमा लेके आ रहे हैं और प्लेयर कहाँ पे चला गया एक बार की जो टीम है यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बॉल्ड रैन की जो टीम है उनके पास उतरते हुए एक एयर ड्रॉप और जो उनका जी बोल वाला है यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट फैक्ट्री को पूरा सेंटर और हॉट स्प्रिंग के बीच में ये बनता हुआ टीम आलू भुजिया को बता दे यार बहुत बड़ा फैन हूँ उनके हाँ भाई दिखा रहे हैं यार आलू भुजिया को दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें भाई रजिस्ट्रेशन भाई वीडियो के भाई हमारे जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है तो वहाँ पे घुस जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उसके बाद ले कीजिए। इनोसेंट SPD यहाँ पे पहली बार इनोसेंट की जो टीम है यहाँ पे पहली बार हमारे कस्टम रूम में भाग लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं क्या अच्छा यहाँ पे झिमक ले शॉट लेंगे और बहुत ही प्यारा शॉट लेते हुए यहाँ पे अगर अच्छे ठीक तरह से अगर कनेक्ट कर पाते यहाँ पे देख सकते हैं इनोसेंट काफ़ी गंदा फाइट चलता हुआ जैसे काफ़ी आगे आ चुके हैं और UMP9 से शायद थम्सन से शायद मारने की कोशिश लेकिन यहाँ पे नाकाम होते हुए अभी तक हेलमेट नहीं मिला। इनोसेंट RN यहाँ पे काफ़ी आगे आ चुके हैं तो यहाँ पे खतरा हो सकता है लेटे हुए बट इधर से फ्लैंगर के आ तो स्टार माने से यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट से फ्लैंगर के आगे और देख सकते हैं लेफ्ट से फ्लैंगर के आ गए और RN को यहाँ पे डाउन करते हुए इनोसेंट का जो पोजीशन था काफ़ी रॉन्ग पोजीशन था और यहाँ पे स्टार माने बट यहाँ पे बैकअप मिलने वाला है स्टार माने
को यहाँ पे डाउन कर देंगे आज ही, यहाँ डाउन करते हुए इनोसेंट एसपीडी यहाँ पे डाउन करते हुए स्टार माइनस को, तो काफ़ी अच्छा बेकअप मिलता हुआ, बट उनके एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे खो चुके हैं इनोसेंट के जो टीम है। बोल्टी साहब ने तो ट्रैगनर रोक यहाँ पे डाउन करते हुए M41 से बहुत ही मतलब प्यारे स्प्रे करते हुए नेट आता हुआ स्मोक करते हुए, लेकिन स्वैड जितेश ने यहाँ पे किल चुराते हुए एन टाइम में आके स्वैड जितेश यहाँ पे किल चुराते हुए स्टार्क के नोब गेमिंग टीम टू दिखा रहे हैं भाई, टीम टू को दिखा रहे हैं ब्रो यार। फिलहाल तो यहाँ पे काफ़ी गंदा सिचुएशन हो चुका है, फिलहाल थर्ड पार्टी करने आ गए पिछले मैच के विनर विनर सीजन में यार, पिछले मैच के विनर और सोल डेविल ने सुरेश किंग ने यहाँ पे फिनिश करते हुए पिछले मैच के विनर विनर चिकन डिनर की जो टीम है, टीम नंबर 7 की जो टीम है, पिछले मैच के विनर विनर चिकन डिनर काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाए थे, बट इस मैच में क्या वो जो जादू था पिछले मैच का अभी तक चलते रहेगा। फिलहाल एस टी के यहाँ पर टाइटर रोक यहाँ पर फिनिश करते हुए शायद डाउन करते हुए इनोसेंट एस पी डी वहाँ पर घुस गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार विश्वजीत वहाँ पर है, बट यहाँ पर एस टी के एट स्टिक रिक्स ने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको फिनिश करते हुए तो स्टार विश्वजीत स्पीड लोड ने इस किलर स्कैर को डाउन करते हुए M41 से, और देख सकते हैं स्टार विश्वजीत यहाँ पे आ गए हैं शायद रस करने M41 के साथ, तो दिक्कत में आ सकते हैं इनोसेंट एस पी डी अकेले प्लेयर बचे अपने टीम के लिए, तो स्टार विश्वजीत के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि टीम नंबर 7 यहाँ पे ऑलरेडी उनको देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा स्कैम हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी गंदा फाइट हो सकता है। देखते हैं ओ यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए सुरेश सिंह ने गायतोंडे को यहाँ पे फाइट करते हुए, गायतोंडे वर्सेस मेरी टीम वर्सेस यहाँ पे देख सकते हैं ATW एम्प्रेयर चिराग अरोरा भाई आज कस्टम दो होगा हाँ भाई होगा यार। ओ भाई गौतुंडे काफ़ी तरह से बुरी तरह से फंसे पड़े हैं, नॉकडाउन हुआ है और नेट आता हुआ, बट नेट क्या फटने वाला है, फिर से नोक होने वाला है और जी हाँ फिर से नोक होते हुए, बहुत ही प्यारा नोट सोल डेबल का, बहुत ही अच्छा नोक, बहुत ही प्यार का, बहुत ही प्यारा थ्रो यहाँ पे दो बंदे को ले गया भाई ATW एम्प्रेयर यहाँ पे अकेले बंदे जर्विस बचे, क्या रिवाइव करेंगे या फिर क्या उनको गौतुंडे भाई को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सोल डेबल थोड़ा आगे आ चुके हैं, उनको रस करना काफ़ी जरूरी है क्योंकि उनको पता है दो बंदे डाउन है, बोल्ड मैन पांडा को यहाँ पे डाउन करते हुए और एक वो एक्सोटिक ने एक्सट्रीम यहाँ पे स्पीड लोड ने बॉल बैन को यहाँ पे डाउन करते हुए, गन ने एबिटोमर को यहाँ पे फिनिश करते हुए, एक वो एक्सोटिक ने एक्सट्रीम स्लेयर को यहाँ पे डाउन कर दिया है, R1 मोहसिन ने आनंद आरके को यहाँ पे डाउन मौली से जला के राख कर दिया, एक वो प्राइम यहाँ पे एक्सट्रीम स्लेयर क्या कर रहे हैं सोल डबल फिलहाल, एक वो प्राइम यहाँ पे आलू भूजिया को भूजते हुए और AR मोहसिन ने सौरभ AR को थोक एक वो क्या गंदा फाइट चल रहा है भाई, कल ऑलमोस्ट हर जगह फाइट चल रहा है बट किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं, ये यहाँ पर सोल डेबल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा फ्लैंक कर रहे हैं, ये खतरा होने वाला है, ये टीम नंबर 7-15 के लिए खतरा होने वाला है क्योंकि ATW एम्प्रेयर को स्पोर्ट कर गए हैं शायद ATW एम्प्रेयर यहाँ पे स्पोर्ट कर गए हैं, यहाँ पे सोल डेबल एक बार फिर से शायद डाउन कर गया है, गौतुंडे ने स्वाद जीतेश का डाउन करते हैं, गौतुंडे भाई का एक बार फिर से बहुत ही प्यारा भाई फिर से मतलब गौतुंडे भाई को डाउन करते हैं, सोल जीतोश यहाँ पे डाउन पड़े हैं, यहाँ पे दो बंदे डाउन पड़े हैं, एक बार फिर से टीम नंबर 15 के लिए खतरा हो सकता है और शायद सोल डेबल फिनिश करने जा रहे हैं और जी हाँ ATW को फिनिश कर सकते हैं और JRXM ने बॉल्ड साहब को डाउन कर दिया, बॉल्ड मैन ने पांडा को यहाँ पे फिनिश करते हुए, बॉल्ड बैन ने स्पीड लोड को फिनिश करते हुए, JRXM को फिनिश करते हुए अकेले बंदे पूरा स्क्वाड खा दिया शायद, और बॉल्ड बैन ने फिलहाल राहत कर दिया और यहाँ पे सोल डेबल ने ATW एम्प्रेयर को यहाँ पे डाउन करते हुए फिलहाल बच गए हैं, गौतुंडे भाई आ गए, सोफी भाई अकेले बचे और जर्विस सोफी यहाँ पर डाउन होते हुए और अकेले बचते हुए गौतुंडे टीम नंबर 15 के लिए काफ़ी ज़्यादा आप आते हुए और पीछे से सोल डेविल का अटैक होता हुआ गौतुंडे के ऊपर और यहाँ पे फिनिश होते हुए टीम नंबर 15 के लिए ये मैच अच्छा नहीं जा रहा और टीम नंबर 15 यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए, जो जर्विस भाई और गौतुंडे भाई का जो टीम था यहाँ पे एक किल के साथ टॉप 16 में जगह बनाने में कामयाब हुए और गोबन है मिस्टर परफेक्ट यहाँ पे डाउन करते हुए, एक वो एक्सोटिक के पास काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रहा था, फिलहाल अभी तक फाइट चल रहा है इन लोगों के बीच में, जो भगत की टीम है उनके साथ फाइट चल रहा है और जोन बनता हुआ दूसरा नंबर जोन आता हुआ जोन देख सकते हैं, अभी भी सीमेंट फैक्ट्री को टच करते हैं, हॉट स्प्रिंट में शायद बन सकता है, अगर हॉट स्प्रिंट में बन गया तो फिलहाल काफ़ी बंदे हैं, अभी देख सकते हैं काफ़ी बंद देवो लोल मेरा मैप है चूतिया मैप भाई, खेलने नहीं आता तो बोल देना ब्रो यार, मैप को भाई मैप को क्यों गाली दे रहा है भाई, साले खेलने नहीं आता बोलना वीकेंडे में, मैप क्या करेगा साले भगत 004 यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मतलब गंदा जो प्लानिंग है जॉन्ट बाहर के बाहर का मैप में मैच करवा रहा है,
भाई सुन भाई, क्या यार है? उन लोग जब FMC में कर हमारे इंडिया का मैप में हो सकता है तो हम लोग क्यों करा नहीं सकते भाई? भाई सब में खेला INB डार्क अपना जादू चलाते हुए, INB का जो टीम है, INB का जो टीम है कल अच्छी चंडी लेने में नाकाम हुआ था, बट INB डार्क यहाँ पे आग जला के गोवा को डाउन करते हुए, फिलहाल उनके सपोर्ट में क्या आने वाले हैं ये काफ़ी गंदा सिचुएशन में हो सकता है, गोवा के लिए खतरा हो सकता है। आसपास इसके बंदे तो दिख नहीं रहे फिलहाल, देख सकते हैं। टीम नंबर 9 के लिए कोई प्लेयर यहाँ पे नहीं है, गोवा अकेले है शायद यहाँ पे, तो INB मास्टर इधर थोड़ा सा फ्लैंकर के आते हुए तो फिर दिक्कत में, यहाँ पे फिनिश हो सकते हैं गोबा जो है। INB डार्क आते हुए, जी हाँ यहाँ पे M249 से जेलक सक्की ने, यहाँ पे भगत 002 को, यहाँ पे फाइम ने जेट स्टाइल्स को, यहाँ पे शायद डाउन फिनिश करते हैं M41 से, तो जेलक्स को यहाँ पे देखते हैं। टीम नंबर 7 यहाँ पे फाइट लेते हुए सतनान, टीम 5 को प्लेयर को दिखा वीरेंद्र, इससे अच्छा सैनोक, हाँ भाई सैनोक कराएंगे तू जो वर्क भाई, सैनोक में क्या करता है देखता हूँ साले चूतिया। अभी देखते हैं फिलहाल टीम नंबर 7 की जो टीम है यहाँ पे चील मार रहा है, यहाँ पे इस जगह पे होल्ड करके बैठा है, बट टीम नंबर 5 प्रिंस की जो टीम है, जिलेक्स की जो टीम है, अभी देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट ले रहे हैं, 2 किल निकाल चुके हैं। INB डार्क गोवा को यहाँ पे फिनिश करते हुए, अब देख सकते हैं फाइन वहाँ पे लेते हुए जिलेक्स और प्रिंस यहाँ पे अपनी टीम के लिए फाइट लेते हुए, और जिलेक्स लेनोल्फ यहाँ पे डाउन हुए हैं, लेनोल्फ यहाँ पे कहाँ पे डाउन हुए हैं, फिलहाल यहाँ पे जोन आता हुआ, अगर लेनोल्फ को जल्दी हैकर है भाई, कौन हैकर है ब्रो, नाम बोल यार जल्दी यार, नाम बोल दे, हैकर नहीं है ब्रो तेरा बहम है भाई, हैकर अलाउड नहीं है ब्रो, हैकर पकड़ा जाएगा जैसे भी करे। टीम नंबर 7 के साथ यहाँ साइड लेते हुए, काफ़ी अच्छा टीम है टीम नंबर के 7 के साथ, देख सकते हैं FS वाइपर एक बार ब्लोड को यहाँ पर डाउन करते हुए, एक बार प्राइम ने FS को यहाँ पर डाउन करते हुए, एक बार एक्सोटिक ने सुसाइड को यहाँ पर डाउन करते हुए, एक बार प्राइम ने FS वाइपर को यहाँ पर फिनिश करते हुए, और एक बार प्राइम ने डार्क सोल को यहाँ पर एक पूरी टीम यहाँ पर एलिमिनेट कर चुके हैं। लेकिन GLS की जो टीम है यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गंदे फाइट लेते हुए टीम नंबर 7 के साथ, तो यहाँ पर ब्लैक मामा ने असैसिन मास्क को यहाँ पर डाउन करते हुए, असैसिन मास्क देख सकते स्मोक लेके लेनोल्फ को, जेलक्स लेनोल्फ को फिलहाल रिवाइव मिल सकता है, और जी हाँ रिवाइव मिलेगा। तो जेलक्स यहाँ पे टीम नंबर 7 वर्सेस टीम नंबर 5 के बीच में जो फाइट चल रहा है यहाँ पे देख, ब्लैक मामा ने असैसिन पंकज को यहाँ पे डाउन करते हैं, फिलहाल असैसिन टीम के सकते हैं, असैसिन MD खान यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गंदा फाइट चलता हुआ टीम असैसिन के साथ, और HRFTP ने INB डार को यहाँ पे देख लिया, ओ MD खान को यहाँ पे फेलते हुए, MD खान को यहाँ पे RS मोहसिन ने यहाँ पे बैरल से कुचलते हुए काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, ओपन है फाइट हुआ, लेकिन असैसिन नजीर यहाँ पे सोए हैं, यहाँ पे असैसिन नजीर यहाँ पे डाउन करते हैं, यहाँ पे पीछे से कौन आते हुए, और टीम असैसिन का एलिमिनेट होता हुआ, काफ़ी गंदा फाइट हुआ यहाँ पे, लेकिन असैसिन टीम को यहाँ पे एलिमिनेट करता हुआ बाहर का रास्ता दिखाते हुए। R1 की जो टीम है R1 मोहसिन यहाँ पे डाउन हो सकते, R1 डाउन हो गए थे बट उनको फिनिश करने में नाकाम हुए मेरे नज़ीर भाई, तो फिलहाल सरजीत एपेक्स क्लैन जिंदा है, दिखाते हैं ब्रो यार, अबे भाई देखते हैं भाई टीम नंबर 24 दिखा भाई, एटोमिक को दिखाना भाई, हाँ भाई एपेक्स क्लैन को जिंदा है, हाँ दिखाते हैं ब्रो यार सबको दिखाते हैं, एक एक करके दिखाते हैं। INB मास्टर ने वहाँ पे चलते हैं, एपेक्स की जो टीम है, एपेक्स की जो टीम है शायद एलिमिनेट हो चुका ब्रो यार, एपेक्स की जो टीम है यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका ब्रो यार, सॉरी यार, देखते हैं फिलहाल INB की जो टीम यहाँ पे एक बार फिर से धूम मचाते हुए, पिछले मैच का जो जादू है यहाँ पे जादू चलाते हुए, वो पंजाब की टीम के साथ फाइट लेता हुआ शायद टीम नंबर 12 जो STK यहाँ पे एस्ट्रक्चर है, STK मोजो काफ़ी अच्छे प्लेयर है मैंने देख रखा है, मगवा फ्यूरी उधर काफ़ी गंदा फाइट चलता हुआ, मगवा फ्यूरी को यहाँ पे शायद फिनिश करते हुए, और शायद फिनिश हो गया है मगवा फ्यूरी, टॉप 9 टीम यहाँ पे हम लोग के पास है। सीमेंट फैक्ट्री में काफ़ी गंदा फाइट चल रहा है, वर्ल्ड मैन उधर ऊपर से फाइट लेते हुए, वर्ल्ड हिसाब और यहाँ पहले एक्सचेंज ऑफर चल रहा है शायद, कोई अपना गन दे रहा है तो कोई अपना एमओ दे रहा है, तो फिलहाल देख सकते हैं टीम नंबर 17 के जो प्लेयर लोग हैं यहाँ पे पूरी तरह से सीमेंट फैक्ट्री में कब्जा करके बैठे हैं, सीमेंट फैक्ट्री तो हमारा है भाई, कोई आओ तो आके दिखा बोल रहे हैं यहाँ पे, STK मोहित, STK मोजो और STK एस्टर एस्टर स्ट्रिक्स यहाँ पे है, KGF रोकी यहाँ पे है, तो देखने हैं क्या होने वाला है, दिक्कत में आ सकते हैं बट देखते हैं क्या होने का वाला है भाई। ओ रोकी वहाँ पे शॉट करते हुए, ओ भाई वर्ल्ड मैन की जो टीम है यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्प्रे करते हुए, G36 से यहाँ पे फॉरेक्स के साथ स्प्रे करते हुए, और अगर नहीं लड़ते ब्लैक मामा ने बोल्ड हिसाब को यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए, अब खतरा बढ़ गया है क्योंकि थर्ड पार्टी हो गया है,
बोल्ट मामबा ने यहाँ पे ब्लैक मामबा ने सॉरी ब्लैक मामबा ने कार 98 का शॉट देते हुए ब्लैक मामबा यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी कर रहे हैं। ब्लैक मामबा दो किल निकाल चुके हैं यहाँ पे, कार 98 का हेड मार के यहाँ पे बोल्ट मैन को यहाँ पे 8 किल निकाल चुके हैं। जो टीम आरोन की जो टीम है यहाँ पे 8 किल निकाल चुके हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। और बोल्ट मैन के लिए खतरा हो सकता है, फिलहाल इन्होंने 6+ कार एंट्री लेके घूम रहे हैं, तो ये दिक्कत। चौथा नंबर जोन बनता हुआ और एक बार फिर से हॉस्ट स्प्रिंग में जोन बनेगा ऐसा लग रहा है। इकलौती जो दो जो ऐसी टीम है जो फिलहाल जोन में है, टीम नंबर 22, 23 और टीम नंबर 21 यहाँ पे जोन में है, तो देखते हैं क्या कौन कहाँ पे जा सकता है। फिलहाल तो लोन यहाँ पे टीम नंबर जो फाइट चल रहा था, खत्म हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा टीम यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है। देख सकते हैं टीम नंबर 1 एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 2 एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 3 एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 6 भी एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 7 जो पिछले मैच के विनर चिकन डिनर थे वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं, टीम नंबर 9 भी एलिमिनेट हो चुके हैं, और असासिन टीम नंबर 10 जो है वो भी एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 11 एलिमिनेट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टीम यहाँ से बाहर रहते हुए और 9 टीम यहाँ पे फिलहाल बचे हुए हैं और 31 प्लेयर बचे हुए हैं। तो देखते हैं आज का जो चिकन डिनर मैच है किसके हाथ में लगने वाला है, किसके झोले में जाता हुआ, किसके पक्ष में जाएगा और कौन जो टीम है वो चिकन डिनर लेने वाला है। फिलहाल एमबी मास्टर में फिर से जलवा दिखाते हुए IMD मास्टर यहाँ पे देखते हैं एक बार प्लाट यहाँ पे स्प्रे करते हुए, काफ़ी गंदा फाइट चलता हुआ एक और टीम के साथ IMB वर्सेस एक बार, तो कल फिर चला था फिर आज भी चल रहा है, लेकिन एक बार जोटिंग यहाँ पे देख सकते हैं IMB मास्टर काफ़ी आगे हैं, IMB रिक यहाँ पे है, एक बार जोटिंग ने झिलक सक्की को डाउन करते हुए, ओ मतलब थर्ड पार्टी करते हुए झिलक सक्की काफ़ी मतलब दूर से मार रहे हैं, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। झिलक सक्की यहाँ पे M41 से सिंगल शॉट मारते हुए सिक्स कर लिए गए अभी रैंडम फायर करते हुए, लेकिन एक्वा ब्लड को शायद ही बचा पाएंगे क्योंकि दोनों तरफ फंसे हैं। अगर आगे जाए IMD की टीम है और एक्वा टीम को यहाँ पे झिलक सक्की ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पे फिनिश करते हुए, झिलक सक्की कमाल के प्लेयर है पिछले मैच में मैंने देख रखा है, बट इस मैच में क्या अपना वही जादू चला सकते हैं। झिलक सक्की काफ़ी अच्छे प्लेयर है, झिलक टीम के लिए प्रिंस है, फहीम है, झिलक लॉन ऑफ है, IMD रिक है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टीम यहाँ पे देख सकते हैं और जोन में सिर्फ दो टीम बचे हैं। अब यहाँ से IMB टीम वर्सेस JLX टीम का फाइट होने वाला है क्योंकि जोन वो आएंगे लेकिन JLX की जो टीम है यहाँ पे आने नहीं देंगे, ब्रिज को ब्लॉक करके रखेंगे क्योंकि IMB जो टीम है इधर से आना पड़ेगा। और जी हाँ IMB टीम यहाँ पे आना अगर ओपन में आए तो इधर JLX की जो टीम है यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट हो रहा है, झिलक सकती यहाँ पर लेट रहे हैं, IMB मास्टर ने यहाँ पे फाइट लेते हुए फाइन ने यहाँ पे AWM का शॉट देता हुआ, फाइन ने AWM का शॉट देते हुए देख सकते हैं AWM प्लस IDEX का जो फायदा उठा रहे हैं उधर आने नहीं दे रहे, पूरा ब्रिज ब्लॉक करके रखे हैं, यहाँ पर दिक्कत का सामना हो सकता है IMB टीम के लिए क्योंकि उनको अभी तक जोन में आना है, तो ये काफ़ी गंदा फाइट हो सकता है टीम नंबर 8 के साथ। IMB की जो टीम है बुरी तरह से फंसा पड़ा है क्योंकि उनको जोन में आना बहुत ही ज़रूरी है और फिलहाल व्हीकल भी नहीं है, तो फिलहाल उनके सिवा फाइट अगर JLX को मार के आ पाएंगे नहीं तो नहीं आ पाएंगे। फिलहाल JLX लोन ऑफ यहाँ पर क्या कर रहे हैं थोड़ा सॉल्व वैक करते हुए, बट यहाँ पर IMB की जो टीम है क्या यहाँ पर जोन में आ पाएगा, इसलिए मौजूद यहाँ पर फाइट लेते हुए फाइम यहाँ पर है तो IMB रिक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होके आते हुए यहाँ पे जोन काफ़ी ज़्यादा काटेगा क्योंकि टीम 5 नंबर जोन है। और देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट बैन की जो टीम है दोनों टीम यहाँ पे सुरक्षित जोन पे पहुँच चुका है और टीम नंबर 21 और टीम नंबर 13 के बीच में एक्वा की जो टीम है SLS और थोक एक्वा की जो टीम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट होता हुआ स्टिक में चल गया है, टीम नंबर 17 के दो बंदे बचे हैं। ओ भाई यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट चल रहा है, एक्वा स्कूल है, एजे स्पेस है और सोलेस है, यहाँ पे टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 20 के बीच में ये फाइट होने वाला है, एक घर में छोटा सा प्लेस है और 8 घर में है, देख सकते हैं कौन यहाँ से बचने वाला है और ये देख सकते हैं भाई क्या होगा यहाँ पे गंदा फाइट होना, बहुत ही प्यारा नहीं रहता हुआ और जलने वाला मौली आता हुआ, यहाँ पर देखते हैं टीम नंबर 17 क्या कर पाएगा यहाँ पर। तो भाई जितने भी स्ट्रीम देख रहे हो प्लीज़ लाइक तो कर दो यार प्लीज़, आज का चिकन डिनर किसका नाम है रजनी जो देख सकते हैं यहाँ पे फाइट हुआ
ऑटोमेटिक चिकन डिनर होगा। नाइस प्लेइंग सीजन। एक और रूम है क्या जिसके बाद? हाँ हो सकता है ब्रो, आलू भून जाए तो भून जाएगा। अब अगर ना फाइट चलता हुआ चार्ट बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देख सकते हैं आई एम बी लेजेंड का शिकार होता हुआ। और यहाँ पर रस करें ब्रो सुनील, यहाँ पे है तीन नंबर जो फोर की टीम। एक बार फिर जाते हुए छोटा सा घर में तीन टीम आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा भसड़ मचने वाला है यहाँ पे। आई एम बी डार्क यहाँ पे देख सकते हैं, फाइन ने ऑटोमेटिक वीडियो कैमरा डाउन करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी गंदा यहाँ पे फाइट होने वाला है, काफ़ी गंदा फाइट। ऑटोमेटिक जेके ने जेलक्स लोनल यहाँ पे शायद फिनिश करते हुए M41 से, तो यहाँ पे फाइम अकेले बच गए शायद जेलक्स FM के लिए। और एटोमिक जेक ने फाइम को भी डाउन कर दिया है, तो देख सकते हैं टीम नंबर फाइव यहाँ से शायद एलिमिनेट हो चुका है। चार टीम यहाँ पे, तीन टीम यहाँ पे M249 से यहाँ पे चलते हुए M249 यहाँ पे RPG गदन ST के वृक्ष में बीच में आ सकता है। तीन टीम यहाँ पे छोटे से जगह में फाइट होगा, क्या करेंगे? भसड़ मचने वाला है, काफ़ी गंदा भसड़ मचने वाला है। देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अब तक का मैच का सबसे बड़ा फाइट होने वाला है। और फिलहाल ड्रॉप भी यहाँ पे गिरते हैं, ड्रॉप भी आता हुआ M249 है, इसमें Level 3 आर्मर है, Level 3 हेलमेट है। बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो लूटने का जो RPG जगह के पास है। और तीन टीम यहाँ पे है, प्रो सुनील है, टीम नंबर फोर यहाँ पे है, टीम नंबर 21 यहाँ पे है, टीम नंबर 7 यहाँ पे है। तो क्या यहाँ पे कौन बच के जाने वाला है, देखना पड़ेगा। गंदा फाइट होने वाला है छोटे से घर में ये भाई। अबे फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी मतलब प्रेशर का जो सिचुएशन है, प्रेशर में आता हुआ। अगर प्रेशर में आ गए तो यहाँ पे चील एक वाई स्कूल यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में होल्ड करके रखे हैं। नीचे के जो टीम है, नीचे जो फ्लोर एरिया में है उनको टीम नंबर 17 होल्ड करके रखे हैं। जो टॉप प्लेयर में हैं उनको टीम नंबर 21 ने होल्ड करके रखे हैं। तो अगर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, अगर कोई भी टीम है यहाँ पे फाइट लेते हुए टीम नंबर 21 को आरपी यहाँ पे देख सकते हैं। अकेले यहाँ पे देख सकते हैं घुस गए हैं। एजे स्पाइसी काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, एजे स्पाइसी यहाँ पे घुस गए हैं। और वह फिर से स्प्रे करते हुए टीम नंबर 4 के लिए खतरा हो सकता है। टीम नंबर 4 यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए, जो टीम नंबर 4 था RPG कुमार से और मैक्स रुपये से यहाँ पे फिनिश करते हुए एजे स्पाइसी ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया। और टीम नंबर 7 ने मौका में चौका मारता हुआ थर्ड पार्टी करते हुए M249 ले गए। ACK मौजे घुस गया है, ACK मौजे घुस गया है। अभी भसड़ मचने वाला, काफ़ी गंदा भसड़ मचने वाला है यहाँ पे, काफ़ी गंदा भसड़ मच चुका है। देख सकते हैं तीन टीम और टॉप फोर टीम आ चुका है, चार टीम यहाँ पे बची है। तो ओ बहुत ही प्यारा नहीं रहता, ST के मौजूद यहाँ पे डाउन पड़े हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर 21 भी यहीं पे है, दूर से थर्ड पार्टी करते हुए टीम नंबर 22 R1 के जो टीम है यहाँ पे दूर से नेट फेंकते हुए थर्ड पार्टी करते हुए ब्लैक मामा ने मॉलिस यहाँ पे डाउन करते हुए सोलेस को, ब्लैक मामा ने सोलेस को जलाते हुए एजे स्पाइसी को यहाँ पे डाउन करते हुए। ब्लैक मामा काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। अरे यहाँ पे रस करने घुस गए उनको पता नहीं, बट एक और टीम है वहाँ पे भाई, देख के जाइए नहीं तो आप भी मर सकते हैं। टीम नंबर टॉप 3 टीम यहाँ पे आ चुके हैं, स्टार रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, पोजीशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गंदा यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल जितने भी स्टील देख रहे हो भाई, कौन जीतने वाला है मैच देख सकते हैं। फिलहाल काफ़ी गंदा यहाँ पे फाइट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर जो 23 की जो टीम है यहाँ पे चिल मार के फिलहाल होल्ड करे हैं, क्योंकि जोन उनके पास में है। पहले लड़ने दो बोल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे दो टीम में से एक बच गए तो उधर चिल मार के बैठे हुए हैं टीम नंबर 23 के जो प्लेयर है, यहाँ पे चिल मार के बैठे हैं। अभी तक ड्रॉप शायद नहीं लूटे हुए हैं, देख सकते हैं ड्रॉप में अभी तक M249 पड़ा है, बट किसी ने लूटा नहीं। फाइट होता हुआ मुझे एमडी मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक मामा यहाँ पर घुस गए हैं। ब्लैक मामा जी सभी कुछ ले गए, स्मोक हुआ है, ब्लैक मामा को समझ नहीं आ रहा, बट के लिए ड्रॉप यहाँ पे है। और शायद गर्ल को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं, शायद ब्लैक मामा को यहाँ पे डाउन होते हुए ब्लैक मामा बचे हुए। काफ़ी गंदा भसड़ मचा हुआ देख सकते हैं, काफ़ी भसड़ मचा हुआ है यहाँ पे। अभी तक ST के जो टीम है होल्ड में, ST के टीम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ST के मोहित यहाँ पे है होल्ड में, ST के मोजो यहाँ पे डाउन पड़े हैं। ST के मोजो को फिलहाल पहले रिवाइव मिलना चाहिए, और ST के मोजो को ही फिलहाल पहले भाई ऑटोमेटिक चिकन डिनर होगा। हाँ भाई, क्योंकि उनके पास जोन का एडवांटेज है, और फिलहाल तो चिल मार के बैठे हुए ऑटोमेटिक जो टीम है, काफ़ी चिल मार के बैठे हैं भाई। तो काफ़ी ऑटोमेटिक चिकन डिनर होगा। नाइस प्लेइंग, एक और रूम है क्या इसके बाद? अनेक आज मुझे घूम गया भाई, आज दो रूम है क्या? हेलो ब्रो फ्लेम्स, हेलो भाई फ्लेम वोल्स यार, ऐसी ना ली मगवा फिर गाली देवा, क्या होगा भाई? माफिया जी टीम R1 को दिखाओ। ओ यहाँ पे M2 मौजूद है, यहाँ पे M249 के यहाँ पे फैलते हुए है, M249 से फैलते हुए ब्लैक मामा को, ब्लैक मामा को पूरी तरह से खाते हुए डाउन करके यहाँ पे फिनिश करते हुए। ओ भाई ST के मोजो को यहाँ पे फिनिश करते हुए ब्लैक मामा ने, ये भाई रिवेंज चलता हुआ यहाँ पे।
देखते हैं टीम नंबर 21 क्या 20 आर वन की टीम यहाँ पे मोसी नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 33 प्लेयर है, उनको पता है यहाँ पे प्लेयर का पोजीशन पता चल गया है। और जे डी मार्क में यहाँ पे रिवाइव मिलना चाहिए, बट यहाँ पे जोन आता हुआ, अगर दोनों टीम जोन में फंस गए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे विन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक जो टीम है यहाँ पे चिल मार के हैं, फिलहाल उनको पता है जो भी टीम लड़ के बच के आएगा उनके साथ खेलना है। और आर वन जे डी मार्क की जो टीम है, आर वन मोसी यहाँ पे जोन से बच जाएंगे शायद, लेकिन फिलहाल अकेले बंदे हैं। और मैच के ओ मोहित स्पोर्ट कर गया, आर वन मोहसिन को यहाँ पर डाउन करते हैं। अब देखने वाला है सबसे बड़ा फाइट होने वाला है, अब चिकन डिनर वाला फाइट होने वाला है, अब एसटीके वर्सेस टीम नंबर 23 वर्सेस टीम नंबर 17 के बीच में फाइट होने वाला है। अब ये फाइट देखने लायक होगा, अब ये फाइट घमासान होगा, और ये फाइट डिसाइड करेगा कि कौन आज का मैच चिकन डिनर करेंगे। भाई यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट होने वाला है, फिलहाल चार्ट को थोड़ा बंद करते हैं और यहाँ पे देखते हैं काफ़ी गंदा फाइट होने वाला है। आज का विनर विनर चिकन डिनर, ऑटोमेटिक के जो टीम है काफ़ी अच्छा चील 7 किल के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर से भरे पड़े हैं। और टीम 17 के लिए भाई 10 किल है इसके पास, दोनों टीम एक से बढ़कर एक है, दोनों टीम एक से बढ़कर एक है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट होने वाला है, बीच में ओपन है, ये जोन तक तो फाइट होना मुश्किल है क्योंकि टीम नंबर 17 के पास जोन का एडवांटेज है, तो यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। देख सकते हैं काफ़ी गंदा फाइट होने वाला है यहाँ पे, चिकन डिनर का फाइट ऐसी उम्मीद, अगर ऐसी फाइट हर मैच हो भाई तो दिल खुश हो जाएगा भाई, पूरा पैसा वसूल यहाँ पे फाइट होने वाला है। आज का जो कस्टम रूम मैच है काफ़ी तगड़ा फाइट होने वाला है यहाँ पे, टीम नंबर 23 जीतेगा भाई। जितने भी टीम देख रहे भाई, कौन टीम जीतने वाला है जल्दी बोले आज, टीम नंबर 23 जीतेगा। रजनी रजना भाई ऑटोमेटिक प्रो प्लेयर है, तो कौन सा डिवाइस है ब्रो, यूज करते हैं वीवो G1 प्रो ब्रो, टीम 11 को जीता है। ओ यहाँ पे एस टी के मोजो, यहाँ पे एस टी एम यहाँ पे डाल करते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं एस टी के मोजो और फिनिश करते हुए एस टी के मोजो ने अकेले बेल दिया M249 से। और आज के विनर विनर चिकन डिनर एस टी के टीम है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फाइट हुआ, चिकन डिनर वाला जो फाइट था काफ़ी अच्छा फाइट हुआ। तो आज के विनर विनर चिकन डिनर है एस टी के मोजो, काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा है। और ऑटोमेटिक जगह एनटीटी जो टीम है उनके लिए दुख की बात थी, अगर चिकन डिनर ले सकते थे, लेकिन अभी तक चिकन डिनर नहीं लिया है। अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे चिकन डिनर ले पाते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर तक भाई जीत गया, टीम 17 जीत गया भाई। तो भाई लोग जितने भी स्ट्रीम देख रहे भाई, लाइक करो यार, कम से कम लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई यार, प्लीज़ लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई, 500 सब्सक्राइबर का रेड रहते हैं। तो भाई बस भाई लाइक कर देना भाई, जितने भी तक मतलब जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई, आपका भाई का चैनल है, सपोर्ट है ब्रो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही भाई लोग, सबको गुड नाइट, बाय बाय, शुभ ड्रीम, फिर मिलेंगे कल। कल बता दूँ भाई, कल इरेंगल मैच होने वाला है, वीकेंड ही बहुत हो गया ब्रो, तो सभी भाई लोग बोल रहे हैं कि वीकेंड ही बंद करो और इरेंगल खेलेगा, तो भाई कल से इरेंगल होगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ भाई, और एक बात लास्ट, एटलीस्ट लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच।